Now let's discuss atomicity. What is atomicity? Number of atoms present in one molecule of an element is called its atomicity. Atomicity क्या होता है? जितने number of atoms combine कर रहे हैं किसी भी molecule में, उसे बोला जाता है atomicity. For example, जैसे non-metal में helium. Helium का symbol क्या होता है? He. और it is a monoatomic. Monoatomic मतलब एक ही molecule combine कर रहा है इसका. तो इसकी एटोमिसिटी मोनो एटोमिक एटोमिसिटी वन वैसे ही ऑर्गन नियॉन अब हाइड्रोजन की बात करें हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं एच टू से तो इसमें दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं टू एटम्स आर कंबाइनिंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग इसलिए इस ये कैसा हो जाएगा डाय एटोमिक वैसे ही क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्या है डाईटोमिक है फॉस्फोरस की बात करें पी फोर पी फोर क्या टेट्राइटोमिक है इसमें फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर कंबाइनिंग सल्फर की बात करेंगे एट मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर कंबाइनिंग तो इसको बोलेंगे हम पॉली एटॉमिक -atomic. इसकी अटोमिसिटी क्या हो जाएगी पॉली एटॉमिक मोर देन टू एटम्स अब मेटल्स की बात करेंगे सोडियम सोडियम कैसा है मोनो एटॉमिक है आयरन कैसा है मोनो एटॉमिक है एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज ऑल्सो मोनो एटॉमिक अब बात करते हैं आयंस की आयंस क्या होते हैं आयन इज अ पॉजिटिवली और और नेगेटिवली एटम ग्रुप ऑफ एटम एंड आयन इज बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम सो इट कंटेन्स एन अनुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आयंस क्या होते हैं आयन दो टाइप के होते हैं देखो बच्चों आयंस कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के एनायन एंड कैटायन सबसे पहले तो आयन्स होते क्या हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था एटम्स में क्या है एटम्स में न्यूक्लियस है सेंटर में न्यूक्लियस के पास क्या है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो एनायन फॉर्म होता है क्या फॉर्म होगा एनायन फॉर्म होगा और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है कैट आयन आयन ओके इस आयन्स के बनने की प्रोसेस को ही आयन एक्सचेंज बोलते हैं अब फॉर एग्जाम्पल आयन में सोडियम आयन सोडियम आयन क्या है एन ए पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव मतलब एने, एने क्या है सोडियम सोडियम का सिंबल एन एन ए पे प्लस वन चार्ज है प्लस वन चार्ज मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है Na इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अब बात करेंगे मैग्नीशियम की मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैग्नीशियम इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन अब बात करेंगे क्लोराइड आयन की क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन लूज गेन कर रहा है गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जब किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज है जब किसी आयन पे या एटम पे किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और अगर पॉजिटिव का साइन है इट वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है राइट right? ओके okay. अब कैटाइन मतलब मैंने बता दिया व्हाट इज कैटायन कैट आयन कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा एटम पर अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन अटाइन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम कैसे बन रहा है केटायन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लूज होना उससे बनता है कैटायन <coughs> ये एग्जाम्पल मैंने बताया सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सोडियम आयन बना रहा है ठीक है जैसे सोडियम है क्लोरीन है जब भी कोई कंपाउंड बनता है फॉर एग्जाम्पल एच टू एन ये सब क्या है ये सब क्या है ये सब कंपाउंड्स है? 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 हैं इलेक्ट्रॉन बनते? गेन बनते करते हैं कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं कंपाउंड्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैटाइन फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना लूज करके क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव राइट नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये काय में टूट गए हैं आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तो जब ये अब कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा NaCl और आयंस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट फिजिक्स में पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट तो जब दो आयंस कंबाइन करते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है ये तो एग्जाम्पल हो गया अब एनआन एनायन मैंने बता दिया एनायन क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एन आयन फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन क्लोरिन पे नेगेटिव चार्ज एनायन कब बनेगा गेंद से इलेक्ट्रॉन के गेंद से बनेगा गेंद ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा एनायन एनायन क्या है नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है किसी भी आइटम ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो हो जाएगा एनायन ठीक है अभी मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया समझ में आया क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज कब आया जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया अब ये बात तो समझ में आ गई सबको एनायन कब बनता है जब नेगेटिव चार्ज एटम ने गेन किया ठीक है इसका मतलब एनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा ज्यादा होगा एनायन में जो भी अगर एनायन और कैटायन है एनायन में इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा ज्यादा होगा राइट देन न्यूट्रल एटम नॉर्मल एटम कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एम की बात कर रहे हैं न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होते हैं इन न्यूट्रल एटम इक्वल ऑफ प्रोटॉन एंड देयर। ओके अगर एनायन की बात करेंगे तो एनायन में नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नॉर्मल आइटम के कंपेरिजन में फॉर एग्जाम्पल इधर एन ए है इधर एन ए प्लस है तो ये तो अपन को पता है ये क्या है कैटायन है कैटायन में ये नॉर्मल एने इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा इसमें ज्यादा होगा वहीं अगर मैं एनायन की बात करूं एनायन में Cl- माइनस इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Cl। तो इस पार्ट में यही लिखा है राइट right? अब सिंपल आयंस की बात करते हैं सिंपल आयंस क्या होते हैं ऐसे एटम से बनते हैं सिंपल आयंस सिंगल एटम से बनते हैं सिंगल एटम से बनते हैं अगेन एन का ही एग्जाम्पल एन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया क्या बन गया एने प्लस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया क्या बन गया एन प्लस और एनए कैसा है सिंगल एटम है एनए इज सिंगल एटम तो इसको हम कंसीडर करेंगे सिंपल आयंस में सिंपल आयन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एन ए प्लस अब बात करते हैं कंपाउंड आयन की कंपाउंड आयन में मोर देन वन एटम होगा एक एटम से ज्यादा होंगे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन एन एच फोर पॉजिटिव इसको बोलेंगे हम कंपाउंड आयन इसे क्या बोलेंगे कंपाउंड आयन इसमें दो एटम्स हैं नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के चार एटम्स हैं और नाइट्रोजन का एक एटम है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलूंगी मैं कंपाउंड कंपाउंड क्यों बोलूंगी क्योंकि इसमें मोर देन 1 एटम्स हैं कितने एटम है इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है और चार हाइड्रोजन के एटम है तो ये हो जाएगा कंपाउंड आयंस अमोनियम आयन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों अमोनियम आयंस राइट अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जैसे मैंने NaCl का एग्जाम्पल दिया था NaCl क्या है NACL एक कंपाउंड है दो एटम से मिलकर बना है सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के बीच में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है आयंस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड ये वही एग्जाम्पल है एन ओके okay. इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हैं एन के सी एल एमजीओ सी ओ ये सब कौन से एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं